नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन। और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे कि इस चिड़िया का जो हेड है उसको कैसे क्रिएट किए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके की बॉडी पार्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस लेयर के अंदर चलते हैं और ये जो पार्ट है इसके जो ऊपर है ये यहाँ पे हमने पीछे क्रिएट किए थे लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम दोबारा से क्रिएट करते हैं। पी प्रेस करते हैं और पेन टूल सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से इस टाइप से ट्रेस करेंगे। फिर से एक लेयर क्रिएट करते हैं। इसको हम कलर कर लेते हैं। यहां से आई ड्रॉपर से क्लिक करते हैं और इसके अंदर जाते हैं। और ये लाइट कलर है वो इसमें भरते हैं। और इसका हम क्या करते हैं, आउटलाइन हटा देते हैं स्टेप से और इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं प्रॉपर। इस टाइप से सिंबल में कन्वर्ट करते हैं F8 प्रेस करके। और हम क्या करेंगे, इसी से हम और इस दोनों को सिलेक्ट करके सिंबल में कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं और इसको मैं यहां पे लगाता हूं। और इसको मैं करता हूं बैक, बिल्कुल बॉडी के बैक, हेड के बैक में जाना चाहिए यहां पर। और इसको मैं इस टाइप से करता हूं, इसी को डुप्लीकेट किए। और डुप्लीकेट करने के लिए दोस्तों इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये डुप्लीकेट बन जाता है। इसको मैं थोड़ा सा तरफ कर देता हूं, फिर से डुप्लीकेट किए, इसको मैं यहां पे करता हूं और एक मैं इस तरफ कर देता हूं। तो इस टाइप से जो है हमारा ये क्रिएट हो गया। अब सही लग रहा है यहां पे। अब हम इसके बॉडी पार्ट को क्रिएट करेंगे। तो बॉडी पार्ट के लिए हम पहले यहां पे एक ऊपर जाते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद जो है हम पी प्रेस करते हैं और मैं यहां से एक इस टाइप से हमने क्रिएट किया, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ये थोड़ा सा नीचे। यहां पर अब यहां से फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। अब की बार हम जो है इस जो नीचे है गले में इसको हम क्रिएट करेंगे। पी प्रेस करते हैं इस टाइप से हो गया। अब मैं इसके शेडो को क्रिएट करूंगा, पी प्रेस करते हैं। चलिए इसी लेयर पे हम क्रिएट करते हैं और यहां पे मैं एक क्या करता हूं, यहां से क्रिएट करना शुरू करता हूं। यहां पे हो गया। और इसको मैं सही कर देता हूं, यहां से पी प्रेस करते हैं।
और ये नोड को अगर डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं, या यहां पे देखिए माइनस का ऑप्शन होता है, यहां पे देखिए माइनस कर क्लिक करते हैं तो ये नोड को आप डिलीट कर सकते हैं। इस टाइप से डिलीट हो गया। अब ये देखिए दोनों एक ही लेयर पे है तो हम दोनों को अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद हम इस पहले इसको कलर को फिल करते हैं येलो, यहां से आई ड्रॉपर सिलेक्ट करते हैं, आई प्रेस करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, इसका कलर ये हो गया और इसका कलर जो है ग्रीन। अगर यहां से कहीं पे नोड अगर अटैच नहीं होगा तो वो कलर फिल नहीं होगा। अब देख सकते हैं यहां से जो है इसका नोड नहीं है ऊपर की ओर, इसलिए ये कलर नहीं हो रहा था। हम इसको जोड़ेंगे पहले, यहां से यहां तक जोड़ते हैं, जुड़ गया। अब हम इसको कलर फिल कर सकते हैं, ये फिल हो गया। और इसमें जो है डार्क कलर फिल करेंगे, ये देखिए ये भी यहां से अलग है इसलिए कलर नहीं हो पाएगा, तो इसको हम पहले जोड़ना पड़ेगा। अब फिल हो जाएगा, देखिए फिल हो गया। अब क्या करते हैं, इसका जो है आउटलाइन हम हटाते हैं, इसका वी प्रेस करते हैं और इसके आउटलाइन को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं F8 प्रेस करके, इसको भी, इस दोनों को मैं एक साथ ही कर देता हूं सिंबल में, सिंबल हो गया। और इसको मैं रखता हूं यहां पर और इस दोनों को मैं क्या करता हूं F8 करके सिंबल कर देता हूं दोनों को एक साथ में। इस लेयर को डिलीट करता हूं और इसको मैं रखता हूं नीचे, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक यहां पे देखिए एक और शेडो टाइप से है, चलिए इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे। हम करते हैं इसके जो पूंछ है यहाँ पे, इसकी जो है इसको हम क्रिएट करेंगे। तो हम यहां से लेते हैं पी, मतलब पेन टूल लेते हैं, यहां से न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। हम यहां से सिर्फ एक को ट्रेस करेंगे, बाकी सब जो है इसी से हम क्रिएट करेंगे। यहां से हम ट्रेस करते हैं यहां तक, उसके बाद यहां तक हो गया। यहां से हम नोड को हटाते हैं, ज्यादा नोड हो रहा है। इस टाइप से हो गया। अब यहां से देखिए एक शेडो ये है और हम इसी लेयर पे इसको भी हम क्रिएट कर देते हैं, बाद में इसको कलर हम कर सकते हैं अलग अलग। हम यहां से सेलेक्ट करते हैं, यहां तक क्रिएट कर देते हैं इस टाइप से। और एक जो है यहां से एक यहां से करते हैं, यहां तक ये हो गया। हम इसका कलर फिल करते हैं, इसका कलर जो एक ये कलर हो जाएगा इसका, इसका कलर हम ये करते हैं और इसका कलर हम ये करते हैं। यहां से हम इसके जो आउटलाइन है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ये रिमूव हो गया। हम इसको जो है कन्वर्ट टू सिंबल कर लेते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमने इसके बाहर ही क्रिएट कर दिया, यहां से मैं यहां से कट करता हूं इसको,
यहाँ से लेयर डिलीट करता हूँ, हमको इसके अंदर बनाना था। यहाँ से इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, ये यहाँ पे आ गया। हम इसको रख सेट करते हैं कुछ इस टाइप से, और एक यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं और रोटेट कर देते हैं थोड़ा सा, एक यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट करते हैं, इस टाइप से हो गया। और इसको हम फ्रंट पे रखेंगे, कंट्रोल और बैक करेंगे तो नीचे चला जाएगा, कंट्रोल अप करेंगे तो वह ऊपर आता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा और सेटिंग करता हूं। इस टाइप से हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके पंख को हम क्रिएट करेंगे। यहां से एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और यहां से हम इसको क्रिएट करते हैं। तो पंख को भी हमको जो है अलग अलग हमको क्रिएट करना है। पहले हम नीचे वाले क्रिएट करेंगे, फिर ऊपर वाले, जो कि एनिमेशन में हमको प्रॉब्लम ना हो। यहां से पी प्रेस करते हैं, इस टाइप से हो गया। इसको मैं यहां पे रखते हैं, एक यहां पर, और इसका कलर जो है सेम रखेंगे जो येलो है, पिक करते हैं यहां से, ये कलर कर दिए। इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम यहां देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर होना चाहिए था, हम इसको रखेंगे ग्रीन। ये ऊपर जो है इसको हम रखेंगे येलो कलर में, तो हम इसको सेम कलर देंगे, ये कलर यहां से, और एक इसी में हम बनाएंगे यहां से इस टाइप से, और इसका कलर हम रखेंगे डार्क। ये डार्क हो गया, ये हो गया, और इसके आउटलाइन को भी हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ये जो है हमारा यहां तक क्रिएट हो गया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा, मैं आगे का जो है ये जो पार्ट हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो ये था दोस्तों हम कैसे जो है किसी बर्ड को क्रिएट किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेके आऊं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।